कुछ भी नहीं हूँ। आपने बुलाया था बाबा? एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। जी कहिए। तुम जानते हो मैं तुमसे किस कदर नाराज था तुम्हारे झूठ के खुलने से। पाकीज़ा को भी इस घर में आने की इजाजत सिर्फ तुम्हारी औलाद के लिए दी गई है। मिश्रा ने जो कुछ किया है उसका कोई हल नहीं है, कोई माफी नहीं है। लेकिन तुम्हें यह भी देखना होगा कि सारे सिलसिले में तुम्हारी बहन का घर भी खराब हो रहा है। क्या रिदा यहां आ गई? आई नहीं है, निकाला गया उसे वहां से। बताइए मैं क्या कर सकता हूं। बुशरा को वापस लेकर आओ। ये क्या कह रहे हैं आप? उसने आपके सामने सब कुछ अपने मुंह से कबूल किया, इसके बाद भी? मैं एक बेटी का बाप भी हूं और अपने फैसलों में इतना खुद गर्ज नहीं हो सकता। तुम दोनों भाइयों ने अपने लिए जैसी जिंदगी चाहिए थी पसंद कर ली, उसका क्या कसूर है? किस बात की सजा काट रही है वो? पापा, रिधा के लिए मैं भी उतना ही परेशान हूं जितने आप। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। आप कहेंगे मैं यहां से चला जाऊंगा, आप उषा को ले आए, लेकिन मैं उसे लेकर नहीं आऊंगा। जो कुछ उसने किया है उसके बाद मैं उसे एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको मेरी जरा भी परवाह नहीं है। तो क्या सारा खेल मैंने अपने लिए रचाया है? अभी तक वहां से कोई खबर नहीं आई। आप तो कह रही थी उमेर भागा हुआ आएगा, अभी तक एक मैसेज नहीं किया। सब्र कर लो, अभी तो रिदा घर गई है, बाप के आगे दुखड़ा रोएगी और बाप उमेर पर प्रेशर डालेगा, तभी तो कोई बात होगी ना। वो ना माने तो? ऐसा हो नहीं सकता, बहन का घर बैठना कोई मामूली बात नहीं है। आप उमेर को नहीं जानती, कल जिस तरह देख रहे थे ना लग रहा था फांसी चढ़ा देंगे। तुम्हारी बेवकूफी की वजह सब कुछ हुआ है। क्या जरूरत थी फोन छोड़ के जाने की? आपका मतलब है मैं लड़ने के बाद फोन ढूंढती फिर कमरे से निकलती? उमेर को वैसे ही मुझ पे शक हो गया था, और आपको क्या जरूरत थी सारी कहानी फोन पे सुनाने की? अच्छा बंद करो इल्जाम तराशी करना, कोई काम तुम ढंग से कर ही नहीं सकती। अब मुझे डांटती रहेंगी या वहां से कोई खबर भी लेंगी? अब मैं वहां क्या फोन करूंगी? सब्र कर लो, थोड़ी देर बाद खुद ही फोन आ जाएगा। जब बहन दुखड़े होगी वहां बैठ के तो क्या बात है अम्मी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? समझ में नहीं आ रहा किस तरह से कहूँ। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी अपनी नहीं हूँ, लेकिन आपकी परेशानी तो जान सकती हूँ ना।
रिदा को हसन ने घर से निकाल दिया है। बुशरा ने जाकर कुछ नहीं बताया, बस ये कहा कि उन्होंने पाकीज़ा की बजाय मुझे निकाल दिया। लेकिन अम्मी, आप लोगों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, और उमैर ने जो कहा वो उसके बस में नहीं था। बुशरा अपनी गलती क्यों नहीं मान लेती? बुशरा की आदत तो तुम जानती हो ना, इसीलिए मैं बुशरा की बजाय तुम्हारे पास आई हूँ। इस घर से खुशियाँ तो जैसे रूठ ही गई। एक रिदा का सोचकर दिल को इत्मीनान रहता था कि वो हसन के साथ खुश है, वो भी आज खत्म हो गया। बेटा, तुम उमेर से कहो कि वो बुशरा को वापस ले आए। इसी तरह रिदा की खुशियां वापस आ सकती हैं। बेटा, अब इस घर की खुशियां तुम दोनों के हाथ में, तुम ही रिदा की खुशी भी वापस ला सकती हो। अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं उमेर से बात करूंगी। यानी तुम्हारा मतलब है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? रुको तो सही, मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ पता चले। तुम्हारी कोशिश करने में अगर वो हमारा पैसा लेकर फरार हो गए तो वही होगा जो हमारे साथ होना चाहिए। क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि मैंने तुम्हें कहा था सब्र करो, मुझे इंक्वायरी करने दो, तुम्हें जल्दी पड़ी थी। अच्छा, सारी गलती मेरी है, मेरी है सारी गलती। शायद तुम भूल रहे हो कि ये पार्टी तुम लेकर आए थे। हाँ, पार्टी मैं लेकर आया था, लेकिन उन पर आग बंद करके भरोसा करने का मैंने नहीं कहा। अच्छा, अब ज्यादा बहस मत करो मुझसे। लड़ने के बजाय हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं, सबर करो। कोशिश नहीं, हमें उन्हें ढूंढना होगा। मुझे मेरा पैसा चाहिए किसी कीमत पर भी, वरना इसके लिए मैं किसी की जान भी ले सकता हूं। मैं साथ हूं तेरे, ढूंढ लेंगे उन्हें, सबर कर। माफ कर दो रिदा, मम्मी पापा से नजरें मिला पाता हूं ना ही तुम्हारी तरफ देख पाता हूं। ये सब मेरी वजह से हुआ है, सबका जिम्मेदार मैं हूं। यही समझ रही थी भाई, एक लम्हे के लिए तो आपसे नफरत ही हो गई थी, लेकिन मुझे यही नहीं पता था कि बुशरा पापा इस हद तक गिर सकती। मैं भी नहीं जानता था, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। हाथ से निकलता चला गया। जो मोहब्बतें शर्तों पर की जाती है उसका अंजाम यही होता है भाई, इसमें आपको कोई कसूर नहीं।
हसन से मैं जितनी मोहब्बत करती हूँ शायद वो ये कभी ना जान सके, और इसके बदले उन्होंने मेरी एक बात सुनने गवारा नहीं की। जानता नहीं है पप्पू और बुशरा ने क्या किया? भाई वो मेरी कॉल अटेंड करते या मुझसे बात करते तो पता चलता ना। भाई आपकी वजह से मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी मैं आपकी इज्जत करती हूँ क्योंकि आप मोहब्बत की इज्जत करते हैं, इसे पैर उतरे नहीं लौंदते। तुम्हारी बातों को सुनकर तुम्हारी तकलीफ का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है, लेकिन मेरी बहन मुझे माफ कर दो, मैं बुशरा को वापस नहीं ला सकता। मैं उस जालिम और बेरहम को एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, ऐसे ही बैठकर हसन का इंतजार करती रहोगी? तो और क्या करूं? हिम्मत करो, हौसला करो, मोहब्बत में खुद को मजबूत करना पड़ता है। देखो मुझसे भी कुछ गलतियां हुई हैं, उन्हें तुम मत दोहराओ। जितना जल्दी हो सकता है हसन को सब सच बताओ, इससे तुम्हारे दिल पर जो बोझ है वो कम हो जाएगा। हौसला करो, हौसला करो। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हसन, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? कैसा हो सकता हूँ? तुमसे एक बात करनी थी। मैं जानता हूँ मामू आप क्या बात करना चाहते हैं मुझसे। तो तुम ये भी जानते होगे कि तुम्हें करना क्या है। जी, लेकिन मैं माजरा चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसी गलती ना करो हसन। गलती मैंने नहीं मामू, गलती उमैर ने की है। उसे सोचना चाहिए था बुशरा को घर भेजने से पहले। क्या तुम ये जानते हो कि उसने बुशरा को क्यों घर भेजा? उमैर ने आज तक जो भी किया है वो सही है या गलत है उससे कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपका बेटा जो है। बेटे तो तुम भी हो हमारे, लेकिन अफसोस तुमने जज्बाती फैसला किया बजाय इसके कि तुम हकीकत जानते। हकीकत जो भी हो मामू, अब मैं रिदा को तभी लेकर जाऊंगा जब उमैर बुशरा को ले जाएगा। अच्छी तरह सोच लो सर, कोई भी फैसला करने से पहले ये जरूर मालूम कर लेना कि तुम्हारी बहन ने किया क्या। कब आएगा उमैर? आ जाएगा, क्यों इतनी बेचैन हो रही हो? मुझे नहीं लग रहा वो आएगा। मैंने कहा ना कि वो आएगा, ख्वा मौखा खुद भी परेशान हो रही हो और मुझे भी परेशान कर रही हो। बैठे बैठे सब हाथ से जा रहे हैं। कुछ हाथ से नहीं निकला है, भरोसा रखो मुझ पे। तुम यहां क्यों आई हो? तुम्हें ले जाने के लिए आई, और तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी? देखो बुशरा, ये वक्त मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, तुम्हें मेरे साथ घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। बुशरा तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो। ये वहां चली जाएगी लेकिन तुम्हें वहां से जाना होगा।
ठीक है, मैं चली जाऊंगी, मगर मुझे थोड़ा वक्त दे दें। अम्मी, ये फिर से कोई चाल चलेगी, इसकी बातों में ना आए। किसने भेजा है तुम्हें? मुझे अम्मी ने भेजा। ठीक है, ये तुम्हारे साथ चली जाएगी, लेकिन मेरी बात याद रखना कि तुम वहां नहीं रहोगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं बुशरा को वापस बुला लूंगी, और इस दफा रिदा हमेशा के लिए वहां जाएगी। बेटा कुछ तो कहो। अम्मी, मैं हसन के बगैर नहीं रह सकती। परेशान ना हो बेटे, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन बाबा, मैं ये भी नहीं चाहती कि बुशरा भाभी को वापस बुलाने के लिए आप घर पर जोर डालो। ये क्या कह रही हो तुम? बुशरा वापस नहीं आएगी तो तुम कैसे जाओगी वहां? सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं हसन के बगैर नहीं रह सकती, लेकिन मैं ये रिश्ता इस तरह से कबूल भी नहीं कर सकती। जरा सी बात हो, निशाना मैं बनती हूँ। इस सारी जिंदगी खौफ में नहीं गुजार सकती। बेटा, तुम इस वक्त जज्बाती हो रही हो। तुम्हारे बाबा जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। नहीं अम्मी, बुशरा भाभी ने जो भी कुछ किया है उसके बाद भाई का उन्हें कबूल करना नहीं बनता। मैं हमेशा के लिए उनको तकलीफ देकर खुद भी कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। तो बेटा तुम चाहती क्या हो? प्लीज आप दोनों कुछ मत कहिएगा। अगर हसन को मेरा साथ चाहिए होगा तो वो बगैर किसी शर्त के मुझे लेकर जाएंगे, वरना मैं वहां नहीं जाऊंगी। सिद्रा, पाकीज़ा कहाँ? पता नहीं उमर भाई। पाकीज़ा ना जा सकते? तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पाकीज़ा, तुमने इतनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। अम्मी, जो कुछ आपने मेरे लिए किया उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। बस मुझ पे एक और एहसान कर दीजिए। क्या? हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरा वाकई कोई इरादा नहीं था आप लोगों का दिल दुखाने का। ज्यादा नेक बनने की जरूरत नहीं। याद है ना अम्मी ने क्या कहा है? क्या? आपको तो पता ही नहीं होगा, मैं बता देती हूँ। जो काम आप लोग नहीं कर सके वो हमने खुद ही कर लिया। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे यहाँ आने और रिदा के वापस जाने की शर्त ये है कि ये जल्द से जल्द अपना बंदोबस्त करके यहाँ से चली जाएगी, और अगर ये नहीं गई तो मैं चली जाऊँगी, और अगर मैं गई तो तुम फिक्र मत करो, जल्दी यहां से चले जाऊंगे। लेकिन बेटा, अम्मी, मैं वादा करती हूं आपसे, मैं उमेर को कुछ नहीं कहूंगी। मैं रिदा की खुशियों के बीच में नहीं आना चाहती। मैं आप सबको खुश देखना चाहती हूं, और बस। तुम होती कौन हमारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने वाली? आपसे किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझे अम्मी ने सब कुछ बता दिया है। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? मैं यहाँ महास पे खड़ा सबसे लड़ रहा हूँ और तुम मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही हो। उमेर, मैं मजबूर हूँ। क्या मजबूरी है तुम्हारी, बताओ मुझे।
इतना बड़ा फैसला अकेले कर लिया और मुझे बताना तो दूर, मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया तुमने। देखो हम सबको बहुत तकलीफें दे चुके हैं, अब हमें साथ रहने की इज्जत छोड़ देनी चाहिए। आप छोड़ के जाने की बात कर रही हो? इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद, इतनी दूर तक साथ चलने के बाद? शायद मैं गलत थी, अब अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। तुम जानती हो तुम अब भी गलत हो, लेकिन पता नहीं क्यों खुद को डिफेंड कर रही हो तुम। बात को समझने की कोशिश, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, लेकिन ठीक है, तुम ये करना चाहती हो ना, शौक से करो, लेकिन याद रखना जिसके लिए तुम ये कुर्बानी दे रही हो वो कभी नहीं होगा। मैं किसी भी हाल में बुशरा के साथ नहीं रहूंगा। सबका एक ही हल है और वो ये कि हम दोनों यहां से चले जाएं। ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है बोलो? मैंने तुम्हें कहा है कि मैं बुशरा के साथ किसी भी हाल में नहीं रहूंगा, और मुझे लगता है कि रेधा का रिश्ता भी नहीं बचेगा, इसलिए सुबह होती है हम ऐसे चले जाएंगे। इतना बड़ा बोझ लेकर मैं नहीं जी पाऊंगी। मुझसे दूर रहकर जी लोगी? मैं जिस अजियत से गुजरूंगा उसका अंदाजा है तुम्हें? मैं, ये मेरा आखिरी फैसला है। कल हम दोनों यहां से चले जाएंगे। शुक्र है खुदा का, रिदा वापस अपने घर चली गई। मैंने आपसे कहा था ना कि परेशान ना हो, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। कौन सी बात? रिदा सही कह रही थी, अगर ये रिश्ता इसी तरह चलता रहा तो उसकी जिंदगी सुकून से नहीं गुजरेगी। हाँ, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। आप हसन से बात क्यों नहीं करते? क्या बात करूं उससे, खालदा और बुशरा की बातों में उसने आंखें बंद कर रखी हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने रिदा की वहां शादी करके गलती की। नहीं नहीं, आपने कोई गलती नहीं की। रिदा और हसन बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं, और फिर अगर आप ये फैसला ना करते तो क्या करते? अगर हसन रिदा को इतना ही चाहता है तो देखता क्यों नहीं, गलत और सही का फैसला खुद क्यों नहीं करता? हम क्या कर सकते हैं, बस उम्मीद ही कर सकते हैं ना कि हसन को सच्चाई नजर आ जाए। वैसे मुझे पाकीज़ा से ये उम्मीद नहीं थी। सच तो ये है कि मैं भी सोच रही थी कि शायद पाकीज़ा बुशरा को कभी इस घर में नहीं आने देगी। बहुत बड़ा दिल है उसका, जो कुछ उसने किया वो अपनी जगह पर, लेकिन है वो बहुत अकलमंद। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल ही दिल में आपने उसे तस्लीम करने का फैसला कर लिया हो? हरगिज नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। हाँ, सारी जिंदगी उसका एहसान मंद जरूर हूँ। That's it. अम्मी, अब उमैर को कहना मुझे कहीं बाहर लेकर जाए। खुद क्यों नहीं कहती? खुद रिश्ते निभाना सीखो, अब तो अकल कर लो। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हम दोनों ये घर छोड़कर जा रहे हैं। यह फैसला भी तुम लोगों ने आपस में कर लिया? नहीं बाबा, यह मेरा फैसला। पाकीज़ा इस घर से अकेली नहीं जाएगी, और वैसे भी पाकीज़ा इस घर में हो या ना हो, मैं
बुशरा के साथ किसी भी हाल में गुजारा नहीं कर सकता, इसलिए हम दोनों यहां से जा रहे हैं ताकि आप लोगों पर कोई मुश्किल ना आए हमारी वजह से। तो ये चाल थी तुम्हारी, मेरे घर आकर ड्रामा करके मुझे यहां लेकर आई, सबकी नजरों में अच्छी बन गई और अब उमेर को लेकर जा रही हो? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। झूठ मत बोलो, आप लोग खामोश क्यों हैं? अब भी मैं ही बोलूं? ऐसा मत करो उमेर, अगर तुम इस घर से गए तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम पे बंद हो जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? बेटा है हमारा। बेटा है तो इसने कौन सा मान रखा आज तक हमारा? अपना फैसला करने का पूरा अख्तियार है इसे, अगर यहां से जाना चाहता है तो चला जाए। ऐसे कैसे जा सकता है, मेरा क्या होगा? और रिदा, रिदा के बारे में नहीं सोचेंगे आप लोग? आपकी तारीफ। मैं एक वकील हूं और ये मेरे क्लाइंट। अब ये घर इनका है? आपको गलत फहमी हुई है, हमने ये घर बेचा नहीं है। मेरे पास तमाम इस घर के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप चाहें तो तसल्ली कर लें। तुम्हारे नाम था ना ये घर, ये किया तुमने? मुझे तुमसे इस घटियापन की उम्मीद नहीं थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। खामोश, जो कुछ तुमने कर लिया वो काफी है। बाबा उमेर ने कुछ नहीं किया। चुप करो तुम, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। बाबा मेरी बात तो सुने। कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहां से। गेट आउट। बाबा उमेर ने कुछ नहीं किया। उमेर तुम चुप करो और तुम भी जाओ यहां से। कितने का बेचा कर रहे उन्होंने? 40 करोड़ रुपए में। तमाम रकम जुबैर इस्माइल के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। जुबैर इस्माइल? क्या हुआ उमेर? ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? हमारे इस तरह यहां से चले जाना, घर वालों को मुश्किल में छोड़ के जाना, ये सब ठीक नहीं है। काम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बुरा वक्त उनका है, हमारा नहीं। ये तुम कह रहे हो? तुम ही तो इन सब के लिए बहुत फिक्रमंद रहते थे। कोई भी परेशान होता था उससे ज्यादा तो तुम परेशान होते थे, सबकी मुश्किलें दूर करने के लिए खुद तकलीफें उठाते थे। अब क्या हो गया? ये गलती थी मेरी, खुद का कभी नहीं सोचा, दूसरों की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशों को मार दिया। तुम्हें खुशी के रास्ते पर ले जाने के बजाय दुखों और गमों के गड़े में धकेल दिया। और क्या सिला मिला? हाँ, आज कोई भी नहीं है हमारे साथ, ये हमारा घर भी हमारा नहीं रहा। उमेर, कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को अपनी खुशी से दूर नहीं करते। हमारी गलत इतनी बड़ी नहीं थी बाकी सर, कि हमें खुद से दूर कर दे, अकेला कर दे। आपको उनके पास होना चाहिए, उनको आपकी जरूरत है। कुछ भी हो जाए मैं इस तरह नहीं जाऊंगी। तुमसे बहस मत करो, मैं वापस नहीं जाऊंगा। माफी जा रहे हैं यहां से। आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे साथ चलो, वरना मैं यहां से चला जाऊंगा, तुम रुक जाना। मैंने कहा ना, आप कहीं नहीं जा सकते, मैं भी नहीं जाऊंगी। तुम क्यों कर रही हो ये सब? क्योंकि मैं आपके दिल को जानती हूँ। कुछ नहीं, कुछ नहीं मेरे दिल में। झूठ बोल रहे हो। मैं जानती हूँ कि आप बाबा को इस वक्त इस हालत में छोड़ के नहीं जाना चाहते। अभी तो आप गुस्से में, इसलिए खुद को जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में जब गुस्सा उतर जाएगा तो फिर खुद ही अफसोस कर रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे बाबा के लिए। कितना जानते हो तुम मुझे?
मैं बस यही चाहती हूँ आप जैसे हैं वैसे ही रहें। आपने जवाब नहीं दिया इस्माइल साहब। हाँ ठीक है, मुझे एक हफ्ते का टाइम दें। एक हफ्ता? ये तो बहुत ज्यादा वक्त है। देखिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इस वक्त मैं क्या करूं। अपने वकील से बात करूंगा। इतनी जल्दी तो घर खाली नहीं कर सकता, इतना तो समझे। कम से कम एक हफ्ते का वक्त चाहिए होगा। ठीक है, हम आपको एक हफ्ते का वक्त देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इन पेपर्स पर दस्तखत करना होंगे। कैसे पेपर्स हैं, क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि अगर आपने 4 दिन के अंदर अंदर पैसे वापस कर दिए तो ठीक, वरना एक हफ्ते बाद आपको ये घर खाली करके जाना होगा। मैंने जैसा कहा है वैसे ही होगा। आपको क्या मुझ पर इतना भरोसा नहीं है कि पेपर पे साइन कर रहे हैं? इस्माइल साहब ऐसी बात नहीं है, दरअसल कानूनी तकाजे पूरे करने पड़ते हैं, इसलिए प्लीज। थैंक यू। शुक्रिया। बाबा मैं यही हूं आपके पास, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? सुबैर ने हमें बर्बाद कर दिया। वकील कह रहा था अगर 4 दिन में हमने पैसे ना दिए तो हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये घर हमारा है और हमारा ही रहेगा। कैसे रहेगा, कहां से आएंगे इतने पैसे? सुबैर, सुबैर ने तो सब कुछ बेच दिया। हो जाएगा बंदोबस्त, मैं अपना कारोबार बेच दूंगा, गिरवी रख दूंगा, कुछ भी करके पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। ये घर हमारा है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमने तुम्हें घर से निकाल दिया, तुम अपना सब कुछ बेच के इस घर को बचाओगे? पापा, ये घर ही तो है जिसने हमेशा हमें एक रखा। सब कुछ हो जाएगा, मैं कारोबार भी दोबारा बना लूंगा, सब हो जाएगा, लेकिन ये घर, अगर ये घर हमसे छिन गया तो सब कुछ बिखर जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बाबा, जिस घर पे मुश्किल आती है तो सब मिलके उस मुश्किल को दूर करते हैं। उमेर के पास जो कुछ है सब आपका दिया है। उमेर, सुपैर घर पे नहीं है, फोन भी उसका बंद है, पता नहीं कहां चला गया वो। ये क्या हालत बना रखी है तुमने?
मैं। इतना सब कुछ होने के बाद तुझे क्या लगता है क्या होना चाहिए था? मैंने कहा ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा यार। कोशिश, हिम्मत मत हार। मुझे देख, मेरे पैसे भी डूबे, मैं तो हिम्मत नहीं हारा। तुम्हारा तो सिर्फ पैसा डूबा है, लेकिन मैंने इस जुए में अपनी जिंदगी, अपनी फैमिली हार दी। अब मैं वापस उनके पास नहीं जा सकता। घर नहीं जाएगा तो कहाँ रहेगा? यहाँ यहाँ रह सकता हूँ मैं? प्लीज मुझे अपने पास रख। कैसी बातें कर रहा है यार, तेरा ही घर है जब तक शायद है। लेकिन एक बात, अगर जब सब ठीक हो जाएगा तो घर जाएगा और सबको सब कुछ बता देगा। सब ठीक हो जाएगा, मैं घर वापस जाऊं, इसकी उम्मीद लगती नहीं। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं।